दोस्तों जहाँ पानी की समस्या होती है, वहाँ ऐसे कौन से क्रॉप को हम लेकर अधिक मुनाफा कर सकते हैं? आज हम ऐसे प्लॉट में विजिट कर रहे हैं जहाँ पानी की बहुत समस्या है, यहाँ की मिट्टी भी मुर्म वाली मिट्टी है, जहाँ लाल मिट्टी है, ऐसे मिट्टी में भी खेती कर मुनाफा ले रहे हैं, ऐसे किसान से आज हम मिलने आए हैं। तो वाटर मैनेजमेंट की हम आज पूरी जानकारी भी देंगे, उसके अलावा हम पीछे जो आप क्रॉप देख रहे हैं ये ग्वावा की क्रॉप है, इसकी पूरी बेसिक जानकारी लेकर आपको इस वीडियो में आपके लिए आए हैं। तो वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं भैया और ये ग्वावा की खेती कैसे करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमन कौशिक, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑन इन किसान में स्वागत करता हूं। भैया नमस्ते, सबसे पहले नमस्कार, आपका परिचय पहले किसान भाइयों जो देख रहे हैं उनको अपना परिचय बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और ये बाड़ी कहाँ पे है और कितने एकड़ की बाड़ी है और कौन कौन सी क्रॉप लगी है यहाँ? जी मेरा नाम सचिन आर से है जी, मैं ग्राम ठेंगाभाट से हूँ जी, और यहाँ पे प्रॉपर 17 एकड़ है अभी ये प्लॉट पे जी, प्लॉट में 17 एकड़। कौन कौन सी फसल इस एरिया में लगा हुआ है आपके इस बाड़ी में? मेरे इसमें सर 4 एकड़ में गवावा लगा हुआ है, हाँ, और 6 एकड़ में केला लगा हुआ है जी, और 3 एकड़ में मैं लगभग पपीता लगवाया है। अच्छा, 3 एकड़ में पपीता लगा हुआ है। बात कर रहे हैं आज आपके प्लॉट विजिट कर रहे हैं तो ग्वावा हम देखे हैं, ग्वावा बहुत कम लोग ग्वावा की खेती करते हैं किसान, तो ग्वावा की खेती में क्या जैसे शुरुआती अवस्था आती है, कैसे हम इसकी खेती शुरुआत करें, जैसे आप किए हैं तो कहाँ से इसकी पौधा लाए हैं, मिट्टी की तैयारी कैसे की है? सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की बात आती है, तो मिट्टी की तैयारी कैसे करना चाहिए इसके लिए? सर सबसे पहले तो हम लोगों ने खेत का मेड़ बनाया था, सबसे पहले तो हमने डिसीजन लिया कि हमको क्रॉप क्या लगाना है। हाँ, क्रॉप का डिसीजन मेन है, डिसीजन मेन है जी। तो हम लोगों ने क्या, एक्चुअली यहाँ पे पानी की कमी है थोड़ी, पानी की कमी तो है। हम लोगों ने डिसाइड किया पहले कि क्या बड़ी फसल लगा सकते जिसमें पानी की कम मात्र हाँ, सके हाँ, फसल जी। तो हमने सोचा कि गवावा लगाया जाए, हाँ। तो सबसे पहले हमने मिट्टी परीक्षण करवाया कि गवावा की खेती हो सकती है नहीं। अच्छा, सॉइल टेस्टिंग कराया जी सर जी, तो उससे रिजल्ट आया कि हाँ यहाँ पर हो सकती है गवावा की जी। फिर उसके बाद हमने VNR वाले के पास गए, हाँ। वहाँ से पूछा क्रॉप लेना है जी, उसने हमें आधा बताया है कि क्रॉप आप कैसा लगा सकते हैं, सब चीज डिसीजन उसने बताया। अच्छा, पहले वो अपना गाइड दिए हैं जी, उसने गाइडेंस किया हम, फिर उसने आके हमारा प्लॉट देखा, अच्छा कि कैसा है, ढलान है नहीं है, निकासी है, हाँ। तब उसने हमें बताया कि आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा प्लॉट ये भी खाली था हाँ। मतलब ये प्लॉट को आप डिसाइड किए? हाँ, डिसाइड किए, हमने उनको बताया था कि 4 एकड़ में हमें लगाना है, हाँ। तो हमने डिसाइड किया कि उन्होंने बताया कि ये प्लॉट आपका बेहतर है लगाने के लिए जी। अब बात आई जैसे आप मिट्टी सॉइल टेस्ट करा लिया, अब ग्वावा जैसे अब मादा खींच ली इसमें, कैसे कितने बार इसकी जुताई की है आपने? सर 3 बार जुताई हुई है इसकी। 3 बार जुताई हुई, उसके बाद फिर रोटावेटर चलाएं? सबसे पहले जुताई होके कल्टीवेटर चला के हम लोग ने रोटावेटर चला के 15 दिन हाँ ऐसे ही रख दिया। अच्छा, ऐसे में कड़ी धूप में। बात आती है जैसे ग्वावा की खेती किसान करेंगे तो कौन सा महीना इसके लिए उपयुक्त रहेगा, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, वातावरण कैसे वातावरण में या कौन से क्लाइमेट में इसकी खेती कर सकते हैं? जैसे आप लगाए हैं तो कैसा सॉइल है? सर अपने छत्तीसगढ़ में तो नॉर्मल क्लाइमेट है अपना, कहीं भी इसको खेती कर सकते हैं। मिट्टी की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए? सर सब में हो रहा है, सब में हो जाए, जैसे आपके यहाँ काली मिट्टी, मुर्मी वाली मिट्टी आपके यहाँ प्लॉट में हम देख रहे हैं, मुर्मी वाली मिट्टी ज्यादा है, ऐसी मिट्टी भी संभव है? तो उसके बाद बात आई जैसे आपने प्लांट्स लाए हैं आपने ग्वावा के, कहाँ से लाए हैं इसको? सर VNR से लाए हैं। वैरायटी क्या है ये, वैरायटी कौन सी है? ग्वावा ही बोलते हैं सर इसको, VNR की हाइब्रिड, हाइब्रिड ये जो बड़ी साइज की आती है, हाँ। अब जैसे इसको ला लिए, एक पौधे की क्या कॉस्ट आई होगी जैसे लगाए हैं तो? लगभग सर 170 रुपए 160 रुपए से लगभग मिल जाए एक पौधे जी सर। 1 एकड़ में कितना आप पौधा लगा होगा इसमें? सर लगभग 400 पौधे लगे, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग आप किए हैं, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम समझना चाहेंगे जैसे ये जो दूरी आप रखे हैं जी सर, ये क्या दूरी होगी? 12 फीट है सर। 12 फीट जी सर, रो टू रो की दूरी, और प्लांट से प्लांट की दूरी अपन कितने रखे हैं? जैसे ये एक प्लांट से प्लांट की दूरी 8 फीट है। 8 फीट एक प्लांट से प्लांट की दूरी 8 फीट है, और ये 12 फीट अपना 12 फीट। उसके बाद बात आती है जैसे आप कौन से महीने में इसको लगाए हैं? ये सर हम लोगों ने जून में लगा दिए थे। हाँ, जून में लगाए हैं, तो खाद पहले बेसल डाले होंगे। बेसल की बात आती है तो कौन सा खाद जैसे किसान देख रहे हैं, कौन सा खाद बेसल में डालेंगे? सर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, जुताई के बाद मेड़ बनाया, हाँ। मेड़ में हमने गोबर खाद बिछा दिया था, पूरा मेड़ में गोबर खाद बिछा दिया, खाद बिछा दिया, हाँ। उसके बाद SSP SSP DAP DAP पोटास, पोटास
उसको डाल दिया, उसको डाल दिए, फिर उसके कुछ दिन बाद में हमने रोपाई की, उसके बाद रोपाई की। इसके लिए गड्ढा आप खोदे होंगे, कितना हाँ बाई कितना का गड्ढा लगा? इसका लगभग सर 1 फीट गड्ढा लगा, 1 फीट गड्ढा और 2 फीट चौड़ा जी। 2 फीट तो नहीं था सर, 1x1 का हो गया था, एक का पौधा था अपना छोटा। उस गड्ढे में कुछ खाद डाले थे क्या? हाँ सर, DAP पोटाश बताए, हाँ वही डाले थे। तो उसके बाद जैसे खाद आप बेसल डालिए, जैसे उसके बाद क्या, जैसे ड्रिप की बात, आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो ड्रिप में आप क्या खाद चलाएं शुरुआत से? शुरू से सर इसमें मैग्नीशियम चला है, कैल्शियम चला है, यूरिया चला है जी, पोटाश चला है जी, और कॉम्बी 2 चलता है। कॉम्बी 2 चलता है। कितने दिन के अंतराल में अभी खाद चल रहा है? सर 15-15 दिन का शेड्यूल है हमारा, 15 दिन का शेड्यूल है। और जैसे और क्या खाद, यूरिया पोटाश इसके अलावा? सर हर 6 महीने में बेसिक डोज देना पड़ता है, बेसल डोज इसको आप हर 6 महीने में देते हैं? 6 महीने में देते रहते हैं। जैसे गुआवा की फसल में बात आती है, जैसे कोई किसान कर रहा है तो इसको कितने साल में हम इसकी हार्वेस्टिंग चालू करेंगे? हार्वेस्टिंग की बात आती है, जैसे अभी आपका फसल कितने दिन का हुआ है? सर अभी 1 साल का हुआ है मेरे। 1 साल का फसल हो गया है, हार्वेस्टिंग कब स्टार्ट होगा इसका? सर ये VNR वाले ने तो हमें बोला था 18 से 24 महीने में ले सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब समझ लीजिए 2 साल बाद हम ले सकते हैं। 2 साल के बाद जी सर। लेकिन अभी जैसे आपका 1 साल लगभग 12 महीना या 14 महीना हुआ है, तो 1 साल बाद इसमें फल आप लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप जैसे ये फेंसिंग आप किए हैं जी सर, इसका करने का क्या रीज़न क्या है, इसको ऐसे करना मतलब क्या है? सर एक्चुअली क्या होता है, पहले की टेक्निक में लोगों ने क्या किया था, गवावा लगा दिया था बस। हाँ, उसके बाद पौधा बहुत फैल जाता, बहुत फैल जाता, बहुत फैल जाता। हाँ, उसमें किसानों को दिक्कत ही हो रही थी, स्प्रेयर मारने में दिक्कत, स्प्रेयर मारने में घूम के मारना पड़ रहा था। हाँ, फल तोड़ाई में दिक्कत हो रही थी। तो ये क्या टेक्नोलॉजी आई सर कि गवावा को हम एक ही रो में ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे जो इसकी जो कैनोपी होती है इसको ऐसे फैलाएंगे नहीं। तो उससे क्या होगा, प्रॉपर वे में हमें फल, स्प्रे, फल, सब चीज दिख जाएगा इसमें। स्प्रेयर मारने में भी अच्छा रहेगा, प्रॉपर वे में मतलब अपना फोम लगाने में दिक्कत नहीं। फोम, अच्छा फोमिंग भी इसमें करते हैं? हाँ फोमिंग भी करते हैं। तो ऐसे अगर कल्टीवेशन अगर करेंगे गुआवा का तो खर्चा भी तो बहुत आता होगा सर? खर्चा तो आता है। हाँ, इसमें पोलिंग में जैसे आप ये तार खींचे हैं इसमें बहुत खर्चा आता है, कॉस्टली खेती है ये। तो इसमें जैसे बात आती है डिसीज़ की या इंसेक्ट की, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें कोई ऐसा भी आपको 1 साल में ऐसा कोई डिसीज़ या इंसेक्ट का प्रकोप या कोई ऐसा आपको समस्या दिखी है क्या इसमें? हाँ सर, ऐसा तो है कि चींटियां लगना, फंगी साइड कुछ भी आना, मतलब ही है इसमें, आते रहता है। इसमें भी आप दवा लेते हैं के ऊपर है? अच्छा, तो इसमें भी दवा चलते रहता है, COC चलता है, COC चलता है, चलता है, और बीच बीच में फंगी साइड इसमें लेते रहते हैं। अच्छा, कीटनाशक में और क्या चलाते हैं इंसेक्टीसाइड में आप इसमें? कीड़ा, तो कीड़ा का क्या आपको समस्या आई है? जैसे अभी पत्तियां हम देख रहे हैं कई जगह प्रोफेनोफॉस शुरुआती स्टेज में अपन चला सकते हैं, प्रोफेनोफॉस चल जाता है। अच्छा, कि अपना 6-6 महीने में फल लिया जाता है? 6-6 महीने में तो प्रॉपर वे में तो फल दे ही देता है, लेते हैं सभी लोग लेते हैं 6-6 महीने। तो इसके बाद जैसे बात आई खर्चे की, तो खर्चे इसमें बहुत हो रहे हैं, तो मुनाफा हमको इसमें क्या लगता है, मुनाफा क्या दे के जाएगा ये क्रॉप, आपको क्या लगता है? आप एनालाइज किए होंगे? सर ये क्रॉप कम से कम 20 साल की है, एक बार लगाए 20 साल तक 20 साल की क्रॉप है। ठीक है, तो इसमें है सर जैसे एक पौधा 2 साल में, हाँ, दूसरे साल अगर उसने अगर 30 kg भी पौधा दे रहा है, हाँ, पहले साल जी, इसका रूल ये है सर कि पहले साल आप पौधे का 30 kg ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, फिर 120 ले सकते हैं जी, इसका हर साल दुगना होते जाता है। हर साल दुगना होते जाता है। और रेट मार्केट वैल्यू की बात करें तो इसमें क्या अपने को मार्केट वैल्यू है? सर मार्केट वैल्यू लगभग 50 से 70 रुपए के बीच में रहता है, 70 से ऊपर भी होता है। अच्छा, पर मीडियम लेवल में बताएं तो 50 से 70 रुपए kg रहता है सर। मीडियम लेवल में जी 50 से 70 रुपए kg नॉर्मली तौर में रहता है। और जैसे तोड़ाई की बात करें, एक जैसे आप ये देख रहे हैं गुआवा का, एक प्लांट में अपने को कितना फ्रूट मिल जाएगा शुरुआत में? जैसे अभी ये छोटे छोटे आप फल देख रहे हैं, ये अभी फ्रूट में सेटिंग होंगे, तो इसको तोड़ के गिराना है कि अभी क्या? तो सर हम लोग 2 साल तक इसको कुछ भी नहीं लेंगे, फूलों को कटवा देना है। अच्छा, फूलों को कटवा देना है, जितने अभी कुछ भी नहीं लेना है हमें इसमें, कोई भी फ्रूट हमको लेना ही नहीं है। क्या फ्रूट जो लेंगे तो ये प्लांट का पौधा कमजोर हो जाएगा? पौधे को पहले तैयार करना है, पौधा तैयार करना है। मार्केट की अगर बात करें, जैसे आपके यहाँ पास में क्या मार्केट के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, या जैसे फ्रूट जब आ जाता है इसमें बैगिंग करते हैं या उसमें कुछ करते हैं, फोम लगाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। लेकिन इसका मुद्दत करता हूँ तो भैया से पहले जानते हैं कि आप जो खेती कर रहे हैं इसमें
वाटर मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, पानी की जो समस्या है आप आपके यहाँ है, तो जैसे आप हम देख रहे हैं यहाँ आपके जो प्लॉट टोटल कितने एकड़ का प्लॉट है, ये सर 17 एकड़ का 17 एकड़ का प्लॉट है, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है सर, गर्मी में पानी की समस्या हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, तो इसके लिए आप क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि आप पानी को यहाँ आप स्टोर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, देखना चाहते हैं कि ये पानी जो स्टोरेज जो टैंक आप बनाए हैं ये कितना लीटर का है, ये लगभग सर 40,000 लीटर का, 40,000 लीटर का ये टैंक है, मतलब ये टोटल अपना 17 एकड़ के लिए पर्याप्त है या कुछ के लिए ऐसे क्या हम कह सकते हैं इसको? नहीं सर, एक्चुअल में पर्याप्त तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ, पर एक्चुअली क्या है सर, पानी की समस्या होने के कारण हम लोगों ने टैंक का सुझाव लिया, हाँ, कि हमें स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर पहले कर लेंगे ताकि क्रॉप में दिक्कतें ना आए, दिक्कतें ना आए। क्या हुआ था सर कि पहले डायरेक्ट बोर से चलाने में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, गर्मी में प्रॉपर वे में पानी नहीं मिल पा रहा था, अब इसमें स्टोरेज करके अपन प्रॉपर, जैसे आप यहाँ से ड्रिप हम देख रहे हैं, ड्रिप में कैसे आप वॉल है, जैसे आपका टोटल यहाँ केला भी लगा है, पपीता लगा है और ये गुआवा, तो अभी जैसे जाम में आप पानी दे रहे हैं गुआवा में, तो कैसे टाइप पानी देते हैं यहाँ से? सर ये है कितना घंटा अभी पानी देना पड़ रहा है अपने को? अभी तो सर जैसे बरसात है तो मिनिमम जिस दिन पानी नहीं आया तो 1 से 2 घंटा बस, एक से दो घंटा, और जैसे टाइमिंग क्या रहता है अपना पानी देने का? ये सर हम लोग सुबह के समय एक बार देते हैं, शाम के समय एक बार, एक घंटा, एक से डेढ़ घंटा बरसात के समय, जब सर जैसी बरसात चले जाएगी तो उसके बाद 2-2 घंटे करके 3 बार देना पड़ता है हम लोग को, फसल चेंज करते, पपीते में 2 घंटे देते हैं, जाम में 2 घंटे देते हैं। तो गुआवा का फसल की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे किस प्रकार गुआवे की खेती भैया कर रहे हैं, आप भी अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से देखकर सीख सकते हैं, अन्य कोई भी जानकारी आपको लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। तो गुआवे की खेती की पूरी जानकारी आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को और भी किसानों को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।